तो अब हम कुछ प्रमुख सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सूचकांक की सहायता से हम मिट्टी के गुणों को बता सकते हैं। इनका आगे जाके कहीं सूत्र में यूज तो नहीं होता, लेकिन हम इससे मिट्टी के बारे में अच्छी खासी जानकारी निकाल लेते हैं। जैसे पहला है सुघट्यता सूचकांक। इसका नाम ही है सुघट्यता, यानी ये मिट्टी की सुघट्यता को दिखाता है कि मिट्टी कितना ज़्यादा सुघट्य है। तो ये देख रहे हैं कि WL और WP के बीच में ही सुघट्य है, तो इसका हो जाता है सूत्र WL-WP। क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये पहले लिख दिए, और ये यहाँ पे जल की मात्रा वाटर कंटेंट कम होगी तो यहाँ बाद में लिख दिए। तो ये सुघट्यता सूचकांक, इसका मान जितना ज़्यादा होता जाएगा वो मृदा क्या होगी उतनी ज़्यादा सुघट्य होगी, यानी ये WL जो है वो इतना आगे खिसकता जा रहा है, ठीक है। तो ही ना WL-WP का मान ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जब ये WL अधिक खिसकेगा, ठीक है, तो यानी उस मिट्टी में क्या होगा, पानी बढ़ जाएगा। तो पानी बढ़ जाएगा तो पानी का भी आयतन तो उसमें गिन जाएगा। जैसे ये मिट्टी है आपकी, ठीक है, अब ये क्या हुआ, पानी ज़्यादा होता गया, ये तो ठोस को ये दूर करता गया और उस रंध्र स्थान में पानी ज़्यादा भरता गया, जिससे इसका आयतन पानी के कारण ये फूल गया और आयतन बढ़ता गया। तो WL और WP का अंतर है, तो WL इसमें हमने बढ़ाते बढ़ाते गए, इस IP का मान तभी बढ़ेगा ना, या WP का मान कम होता जाए थोड़ा सा, दो स्थिति है। तो दोनों स्थिति में क्या हुआ, आयतन उसका बढ़ गया। जब उसका आयतन बढ़ गया इसका मतलब है कि अब इसको आप अधिक से अधिक दबा सकते हैं, तो उसमें से पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी वो IP का मान जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा वो मृदा को आप उतना अधिक दबा सकते हैं। तो इससे ये भी पता चल गया, आप कोई भी मिट्टी लिए उसका IP आपको पता है तो आप ये समझ गए ये मिट्टी बहुत ज़्यादा दबेगी, तो इसको हमको रोलर से या किसी भी तरह से दबा करके ही इससे घर बनाना है या कोई चीज़ करना है, ठीक है, ये आप समझ गए। हमने एक चीज़ और कहा था कि जब ये पानी हो जाता है तो इसका ससंजक गुण क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, इसके कण बहुत दूर दूर हो जाते हैं पानी के कारण, तो ये आपस में चिपके नहीं है, तो ये ससंजक गुण क्या होता है, इसका ख़त्म हो गया। तो ये जितना ज़्यादा होगा तो उससे पता चलेगा उसमें ससंजक गुण ज़्यादा थे, इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए ये लिमिट ज़्यादा है, यानी यहाँ तक उसमें ससंजक गुण थे जब यहाँ तक उसका पानी बढ़ाया गया, तो यानी इसमें ससंजक गुण ज़्यादा है, तो ये भी पता चल गया। और कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता तो हमें पता ही चल गया कि पानी के कारण ही तो भरा हुआ है, तो ये उतना दब भी जाएगा बाद में, ठीक है। इसके अलावा इससे हम पारगम्यता का अभी सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि पानी इस पार है तो वो उस पार निकल जाए, तो इसको ही पारगम्यता कहते हैं, यानी मिट्टी यही है तो इसमें से पानी के इस पार से उस पार निकलने को ही पारगम्यता कहते हैं। तो अगर इसका सुघट्यता सूचकांक अधिक है, यानी वो मृदा अधिक ससंजक है, तो उसके कण क्या होंगे, अपने अधिक पास पास होंगे, ठीक है, उसमें रंध्र स्थान कम होंगे, और जब ये पानी निकलेगा तो इनके बीच जो गैप होता है उसी से तो पानी निकलता है, इस पार से उस पार पानी को बहाना है तो उसको एक रास्ता चाहिए। अब वो कण छोटे छोटे हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच वो रास्ता नहीं मिल पाएगा, तो इस पार से उस पार नहीं निकल पाएगा। वहीं अगर बड़े बड़े कण जैसे ग्रेवल हो तो ये लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, चिपके नहीं होते हैं। आप लोग घर बनाने में गिट्टी देखे होंगे, वही गिट्टी ग्रेवल, तो इनके बीच में पानी को एक रास्ता मिल जाता है, तो ये कण यहाँ से यहाँ ऐसे बहते बहते जो रास्ता मिला इस पार से उस पार निकल गया। लेकिन जब वो उसमें ससंजकता अधिक है तो क्या होगा, उसमें गैप कम बचेंगे और पानी इस पार से उस पार नहीं निकल पाएगा। तो हम सुघट्यता सूचकांक से ये भी पता कर लिए कि उसकी पारगम्यता कैसी है, ठीक है, एक कहने को सूचकांक है, लेकिन ये हमें काफी आइडिया दे दिया मिट्टी के बारे में। अच्छा, आप ये भी कहेंगे कि IP का मान 0 का हो सकता है, तो हमने कहा कि ये प्लास्टिसिटी लिमिट इस लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाए, तो यानी क्या हो, वो सीधे यहाँ से अर्ध ठोस अवस्था से क्या हो जाए, पानी बन जाए, ठीक है। तो अर्ध ठोस अवस्था से पानी, ये मृतिका तो आपकी बनती नहीं है, उसमें सुघट्यता का गुण होता है, जैसे उसके बाद हो गया बड़े कण वाले, तो वो क्या होता है कि डायरेक्ट फिर उसके बाद पानी सील्ट उल्ट हो गया तो पानी की तरह बहने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, IP का मान 0 हो गया।
उसमें सुगठता यानी उसको दूसरे आकार में आप नहीं ढाल सकते हैं, सिल्ट में अधिकतर होता है, तो इसका आईपी 0 हो गया। और इसके अलावा हमको आईपी से ही पता चल गया यानी इसकी संयोजकता अधिक है, हमने वो पता कर लिया, तो यानी उसमें मृतिका यानी क्ले अधिक है, जैसा हमने बताया ये कि सुगठता अधिक है यानी वो सुगठता वो आपकी मृतिका को ही दिखाएगा, क्योंकि मिट्टी सुगठ होती है, उसको जिस आकार में डाला जा सकता है, और कुम्हार लोग मृतिका का ही उपयोग करते, छोटी मिट्टी का उपयोग। अब आया संकुचन सूचकांक, श्रिंकेज इंडेक्स, ये आईएस से दिखाते हैं। हमने कहा था यही तक उसका आयतन क्या होगा, बदलेगा, तो ये डब्ल्यू पी यहाँ से प्लास्टिक लिमिट से सॉलिड लिमिट तक, ये श्रिंकेज लिमिट तक, इन दोनों का अंतर ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रिंकेज इंडेक्स हो जाएगा। तो ये आईएस से दिखा दिया हमने डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एल। तो हम देख रहे हैं अघनता सूचकांक कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में, इसका फार्मूला होता है आईसी बराबर डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू बटे आईपी। डब्ल्यू एल का मतलब होता है कि लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट यानी जलांश बटे आईपी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अच्छा, ये सूत्र आप समझ गए। अब इसमें देखिए आईपी बराबर हमने पहले ही बता दिया है आपको क्या होता है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, ठीक है। तो अब इसमें से हम गणित के द्वारा ही दो तीन स्थितियां प्राप्त करेंगे कि क्या हो जब ये आईसी का मान जीरो हो जाए। आईसी का मान ये जीरो कब होगा, जब ये ऊपर वाला हिस्सा जीरो होगा, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ऊपर वाला हिस्से को जीरो करना है जब आईसी जीरो हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू बराबर जीरो, ठीक है, तो डब्ल्यू एल बराबर डब्ल्यू हो जाएगा। यानी उस मिट्टी में अभी जितना जलांश है, अभी जितना जलांश है वो किसके बराबर है, लिक्विड लिमिट, यानी उसने उस मिट्टी में अभी इतना जलांश है, इतने जलांश का मतलब है कि वो द्रव सीमा पे ही वो पदार्थ है, वो मिट्टी है, ठीक है। यानी ये डब्ल्यू हम करिए अभी का जलांश, जो मिट्टी हम अभी सैंपल लिए हैं उसका जलांश, तो अगर ये जीरो है इसका मान, इसका मतलब वो मिट्टी अभी द्रव सीमा के पास है, क्योंकि डब्ल्यू एल बराबर डब्ल्यू आ गया, जलांश की मात्रा द्रव सीमा के बराबर, तो जब आईसी का मान जीरो होगा तो वो मिट्टी अभी द्रव सीमा पे है। अब इसी तरह अगर हम कहें आईसी का मान एक है, ठीक है, आईसी का मान एक हो कैसे एक होगा, ये देखते हैं। ये होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू बटे डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, हमने बता दिया। अब इन दोनों का मान एक, तो हम कह रहे हैं यहाँ तो डब्ल्यू एल सही है, ये डब्ल्यू पी है और ये डब्ल्यू है, और ये जब डब्ल्यू डब्ल्यू पी के बराबर हो जाए तो इसका मान एक हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। यानी उसमें अभी जो जलांश है वो डब्ल्यू पी के बराबर है, तभी ना उसका मान एक हो गया। तो जब ये डब्ल्यू पी के बराबर है तो ये क्या है, प्लास्टिक लिमिट है, ठीक है। तो जब इसका मान एक होगा, आईसी का मान एक होगा, तो उस स्थिति में W क्या हो जाएगा, जलांश की मात्रा उस मिट्टी की प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाएगी, तो वो मिट्टी अभी प्लास्टिक लिमिट पे है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि इस IC का मान 0 और 1 के बीच में होगा तो ये चीज सुगठ है, ठीक है, सुगठ चीज है, क्योंकि इसका मान जब W का मान डब्ल्यू एल के बराबर हो जाएगा तो ये द्रव सीमा यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है, आईसी का मान जीरो हो गया, और यहाँ पे प्लास्टिक यानी ये अर्ध ठोस के करीब है लेकिन अभी भी प्लास्टिक है, तो यानी जीरो और एक के बीच में यहाँ पे मान है, तो ये अभी भी सुगठता सीमा के बीच में है, ये हो गया। अब हम कहें कि आईसी का मान क्या हो, एक से ज्यादा हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी है ये यही तो है, ठीक है। अब ये दूसरा ऊपर वाला जो है वो डब्ल्यू एल है, यानी यहाँ से अगर आप यहाँ से ये डब्ल्यू बीच में आता है तो यानी ये हिस्सा इतना ही हो गया और नीचे वाला हिस्सा इतना हो गया। अब बड़े में से छोटे को भाग देंगे, यानी छोटे में ये ऊपर वाला छोटा हो गया उसमें तो बड़े को भाग देंगे तो मान जीरो और एक के बीच में ही आएगा ना। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर वाले को ये डब्ल्यू पी से ज़्यादा करके
यहाँ यहाँ तक लाना है, तब ना इसका मान, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तब ना बड़ा होगा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू यानी ये डब्ल्यू यहाँ आएगा, तो वो वाला हिस्सा क्या होगा आपका नीचे वाले हिस्सा से तब ना बड़ा होगा, नीचे वाला हिस्सा तो इतना है ही, जब इससे बड़ा करना है यानी आपको डब्ल्यू का मान यहाँ 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 तक रखना है, तो उस स्थिति में क्या होगा आई सी का मान क्या होगा एक से ज्यादा होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा ये क्या है डब्ल्यू का मान यहाँ पे पहुंच गया, यानी ये अर्ध ठोस अवस्था में पहुंच गया है मिट्टी, ठीक है। तो इस तरह से आईसी के मान से हमने पता कर लिया कि आईसी का मान जीरो और एक के बीच में होगा तो वो सुघटता पे है, अगर उसका मान एक हो गया, ठीक है, आईसी का मान एक हो गया तो वो मिट्टी कौन सी हो गई आपकी, एक होने के लिए ये प्लास्टिक हो गई, और हमने कह दिया कि जीरो हो गई यानी ये डब्लू डब्लू एल के बराबर हो गया, तो यानी वो ड्रॉ सीमा यानी ड्रॉ के करीब पहुंच गए, एक से ज्यादा हो गया तो वो अर्ध ठोस अवस्था में यानी अब थोड़ी सी कठोर होने लगी है। और अगर अब हम कहें कि इसका मान क्या हो जाए, अब निगेटिव हो जाए, निगेटिव होने के लिए क्या होगा ये जो डब्ल्यू एल का मान है वो क्या हो जाए, ये जो W है जलांश की मात्रा उस मिट्टी की, उसके मान डब्ल्यू एल से ज्यादा हो जाए, यानी ये जो W देख रहे थे उस मिट्टी का जलांश की मात्रा ये कुछ यहाँ पे पहुंच जाए। अब जान रहे कि कम में से ज्यादा घटाएंगे तो उत्तर माइनस आएगा, जैसे एक माइनस दो घटाते हैं तो माइनस एक आता है ना, तो उसी तरह से हमने डब्ल्यू एल में से अब डब्ल्यू घटाया है, अब ये डब्ल्यू इतना ज्यादा हो गया तो ये क्या है वो मिट्टी पहले से ही ड्रॉ है, ड्रॉ अवस्था में वो मिट्टी है, इसका मान आईसी का मान निगेटिव आने का मतलब है कि वो क्या है मिट्टी ड्रॉ सीमा में पहले से ही है। अब आया तरलता सूचकांक लिक्विडिटी इंडेक्स, इसको आईएल से दिखाते हैं, आईएल बराबर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी बटे आई पी, डब्ल्यू यानी मृदा का अभी का जलांश, डब्ल्यू पी यानी उसका प्लास्टिसिटी लिमिट यानी जल की वह मात्रा जिसपे वो प्लास्टिक एकदम करीब हो, और आई पी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको भाग दे करके हम आई एल प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका तरलता सूचकांक, इसको भी हम सघनता सूचकांक की तरह ही दिखा सकते हैं कि जैसे इसका मान जीरो कब होगा, जीरो तभी ना होगा जब ये क्या हो ये डब्लू डब्लू पी के बराबर हो जाए, ठीक है। इस फिगर में यहाँ पे सिंकेज लिमिट था, यहाँ पे प्लास्टिसिटी और यहाँ पे लिक्विड, तो ये इसमें जो जल की मात्रा है अभी वो प्लास्टिक के करीब पहुँच जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो गया ये आई एल का मान जीरो हो गया, यानी वो पूर्णतः प्लास्टिक है। अब इसका मान एक कब होगा, तो जैसे आई एल बराबर डब्लू माइनस डब्लू पी और आई पी बराबर होता है डब्लू एल माइनस डब्लू पी, यही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाए कि ये डब्लू डब्लू एल के बराबर हो जाए, ठीक है, वो मिट्टी का अभी अगर ये जलांश डब्लू एल के बराबर है तो वो मिट्टी का आई एल एक हो गया, तो यानी वो अभी लिक्विड अवस्था में है। तो इस तरह से इसका भी हम तरलता सूचकांक का भी हम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने आपको सभी सूचकांक पढ़ा दिए, तो हमारा जो ट्रिक है उसका नाम है सफल। आपको इंजीनियर बनना है तो सफल इंजीनियर बनना है तो ट्रिक है सफल। सफल में आप क्या लिखेंगे कि डब्लू यहाँ जलांश दिखाते ही हैं, आपने पहले यस लिख दिया, स प प थ स प ल सफल, डब्ल्यू एस डब्ल्यू पी डब्ल्यू एल, इस तरह से आप ये वाला भी नहीं भूलेंगे, इसको बनाना नहीं भूलेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद आपको दिखाना है आई एस, यानी आई एस का मतलब ये वाला, अब यहाँ डब्ल्यू एस की जगह आई एस लिख दीजिए, तो इसके हम क्या करेंगे एक खाना आगे जाएंगे माइनस पिछला खाना कर देंगे, सिंपल डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस। इसी तरह हम क्या गए आई पी पे गए, यानी आई पी का मतलब डब्ल्यू पी, ठीक है, तो इस पर क्या गए एक खाना आगे गए डब्ल्यू एल माइनस पिछला खाना माइनस कर दिया, ये याद हो गया। अब हम गए तरलता सूचकांक इसी तरह आई एल पे बढ़ते गए, यहाँ पे बढ़े तो हमको क्या मिला अगला खाना तो हमें मिला ही नहीं,
तो अगला खाना नहीं मिला तो हम उसमें डब्लू ले लेंगे यानी जलांश। अब उसको इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब किसमें से माइनस करेंगे, जब अगला खाना नहीं मिला तो इसमें से माइनस नहीं करेंगे, अब पिछले खाने में माइनस करेंगे। जब अगला खाना मिला ही नहीं तो पिछले खाने में चले जाएंगे। अब पिछले खाने में गए हैं तो पिछले खाने का IPBM इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हम पिछले खाने में गए हैं। तो इस तरह से थोड़े से ट्रिक की सहायता से आपको ये तीन क्या होगा, याद हो गए। अब अगला है सघनता। ये देखिए, तरलता का उल्टा सघनता है, ठीक है, तरल यानी तरल और सघन माने कठोर। तो इसको भी जस्ट उल्टा कर देंगे। जैसे ये W शुरुआत में है तो इसमें W लास्ट में आ गया। ये W प्लास्टिसिटी है तो प्लास्टिसिटी का उल्टा लिक्विड हो गया, तो ये WL, और नीचे का सेम रहने देंगे, ठीक है। तो ये सघनता सूचकांक का भी सूत्र बन गया। इस तरह से हमने आपको सब सूचकांक पढ़ा दिए, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगे वो तो लाइक करिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।